अरे सर, 10-15 दिन से पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ सामने आंगनवाड़ी है, यहाँ पे बच्चों को आने जाने के लिए परेशानी होती है, और आए दिन ही मच्छर होते हैं, बीमारी का डर रहता है यहाँ पर। और मच्छर उच्छर भी हो रहे हैं, यहाँ मच्छर हो रहे हैं, आने जाने में परेशानी होती है, कीचड़ रहती है सारे दिन। जगह आंगनवाड़ी ये ट्राम्बे फर्स्ट हरिजन बस्ती। तो प्रशासन को भी आपने कहा है जाके? हाँ, कहा है, 2-3 बार कहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर यहाँ पर। और आए दिन ही घटना होती रहती है, बच्चे फिसल जाते हैं, चल नहीं पाते। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 13। किसका वार्ड? पार्षद कौन है? भारत धौलखेड़िया। आपका नाम? मंजू गुप्ता। ये 15-20 दिन हो गए, इसमें हजारों लीटर पानी वेस्ट हो चुका अब तक। ये वार्ड नंबर 13 में आता है, ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती। एक तरफ सरकार कहती है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, और दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे हैं जो पानी की व्यवस्था को वेस्ट कर रहे हैं। आप जलदाय विभाग गए थे? हाँ, मैंने कंप्लेंट करा दी गई, उनके जयन को भी फ़ोन किया था एक दो बार, वो आए थे, पता नहीं क्या करते, आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। आप जहाँ जलदाय विभाग के पास में एक आंगनवाड़ी भी बताई जा रही है सर? आंगनवाड़ी है, गिरने का डर रहता है, दिन भर चिकना फर्श हो गया पानी से कारण। किसका वार्ड है? वार्ड नंबर 13, भरत धौलखेड़िया। उसके पास फ़ोन करा था आपने? भरत धौलखेड़िया एक तरह का पार्षद है न, एक बराबर के है, उसको कोई इन्फॉर्म करते वो कोई आता ना जाता है। आपका नाम? संजय डांगुरिया।